प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम ये सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं, तो हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा 4th लेक्चर है। प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें सीखेंगे और थोड़ा सा फास्ट करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि हम 3 से 4 चीज़ें कवर करें। हमने कल जो लास्ट वाली क्लास थी, हमने उसमें कवर किया था कि हमारे पास अगर वर्तमान में कोई वस्तु है तो उसको कैसे बोलेंगे, जैसे आई हैव अ कार, आई हैव लैपटॉप। हमने ये भी सीखा कि अगर उसको नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आई डोंट हैव अ लैपटॉप। उसका इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, डू आई हैव अ लैपटॉप, क्या तुम्हारे पास पैसा है, डू यू हैव अ मनी, क्या तुम्हारे पास कार है, डू यू हैव अ कार। तो हमने पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ा। चूंकि दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, आज हम पास्ट पढ़ेंगे और फ्यूचर भी पढ़ेंगे। फ्यूचर भी आज ही कंप्लीट करेंगे, बस थोड़ा सा आपको टिके रहना है दोस्तों, क्योंकि हम एक कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो ये जो सीरीज है स्पोकन की 30 की, मैंने वादा किया है कि 30 दिन तक अगर आप अंग्रेजी सुनते हैं, 30 दिन तक अगर आप मेरे लेक्चर अटेंड करते हैं, तो दिस इज माई फुल गारंटी कि आपको अंग्रेजी बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप लगातार जुड़े हुए हैं और जो लोग वीडियो देख रहे हैं अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलिए हम देखते हैं पास्ट। अब देखिए बच्चों, ये टॉपिक शुरू करूँ उसके पहले मेरे पास एक डाउट आया था एक बच्ची का। हीना नाम की बच्ची है जो महू में रहती है। उन्होंने मुझे पूछा कि सर, इसका मेन वर्ब में या इसका हैज और हैव का इसके अलावा क्या यूज़ है। जैसे कि आपने बताया कि सर, कोई वस्तु पास होती है उसके लिए तो सर हम हैज लगाते हैं, जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ कप ऑफ टी, आई हैव वाटर बॉटल। लेकिन इसका एक और उपयोग आपने बताया था, मुझे समझ में नहीं आया तो मुझे बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि हैव और हैज का उपयोग मेन वर्ब में किया जाता है। ध्यान से सुनना, हैज और हैव का उपयोग मेन वर्ब में भी किया जाता है। तो मैं वो पहले बताऊंगा 2 मिनट, उसके बाद ये टॉपिक चालू करूंगा। क्योंकि बच्चों, मैं जो बोलता हूं ना, तो ये कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी बातें जानना बहुत जरूरी है। वरना सब किताबों में लिखा हुआ है, सब किताबों में लिखा है, लेकिन फिर भी हम अंग्रेजी नहीं सीख पाते। तो उसका कारण ये है कि हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, जो कि हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में काम में आती है। तो इस बच्ची का क्वेश्चन था कि सर, हैज हैव का इसके अलावा क्या उपयोग है। तो एक तो उपयोग टेंस में होता है और एक मेन वर्ब के रूप में होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मेन वर्ब के टोटली 4 से 5 प्रकार होते हैं। देखिए, हैज, ये मैं इसको यहां पे हैज और हैव दोनों एक ही होता है, मैं हैव लिख देता हूं, इन दोनों में से कोई एक। तो ये हैव फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होता है प्यारे बच्चों हैड, थर्ड फॉर्म भी हम क्या मानते हैं हैड, और फोर्थ फॉर्म हम मानते हैं इसका हैविंग, क्या मानते हैं हैविंग, और वापस जो फिफ्थ फॉर्म होता है प्यारे बच्चों, वो वापस हो जाता है आपका हैज, या इसको हम हैवी बोल सकते हैं। तो ये 5 फॉर्म माने गए हैं। कितने माने गए, 5। इसको मैं लिख सकता हूँ V1, V2, V3, V4 और V5। ये है 5 टाइप एक मेन वर्ब की। वैसे हमने आज तक 3 सीखे, कट कट कट, पुट पुट पुट, गो वेंट गॉन, है ना बच्चों, कितने हमने 3 सीखे। लेकिन चूंकि किसी भी वर्ब के 5 टाइप्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि उन 3 टाइप्स के अलावा भी वर्ब के कहीं यूज होते हैं। अब देखिए, इनके एग्जांपल्स के थ्रू हम थोड़ा समझ लेते हैं, 1 मिनट का टाइम लगेगा। जैसे आपको बोलना है कि मैंने खाना ले लिया है, क्या बोलना है, मैंने खाना ले लिया है, तो प्रेजेंट में बोलेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको हैव का उपयोग करना है। मैंने खाना ले लिया था तो आपको पास्ट का उपयोग करना है। देखिए कैसे, जैसे एक वाक्य लिखा, मैंने खाना ले लिया है, है ना। अब इस वाक्य को हम कैसे बोलेंगे, या तो हम बोलते आई हैव टेकन फूड, या फिर हम हैव के माध्यम से डायरेक्टली बोल सकते हैं। कैसे, मैंने को बोलते आई और ले लिया, लीना, मैंने कहा था ना हैव हैज का मतलब क्या होता है, लेना भी होता है। तो आई हैव माई लंच, आई हैव माई लंच, मैंने खाना ले लिया है, है ना, आई हैव माई लंच, मैंने चाय पी ली है, आई हैव माई टी, कैसे बोलेंगे, आई हैव माई टी। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, अब बहुत सारे, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, गॉट इट। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं। ध्यान सुनिए, हैव का मतलब लेना भी होता है। तो आप कैसे बनाएंगे, आई हैव माई लंच, आई हैव माई वाटर, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आई हैव माई टी, प्रेजेंट में। अगर आपको यही वाक्य दोस्तों, अगर आपको यही वाक्य पास्ट में बोलना हो कि मैंने खाना खा लिया था, मान लो आपको पास्ट में बोलना है, तो ये दोनों में से कोई भी एक यूज कर लीजिए, हैड हैड, क्योंकि दोनों में सेम ही है। तो यहां पर क्या करना है प्यारे बच्चों, अब मान लो यहां पर तो है, है ना, लेकिन मैं यहीं पर लिख देता हूं कि मैंने, या मैं ऊपर लिख देता हूं इसी को इरेज करके, कि मैंने खाना खा लिया था, या मैंने चाय पी ली थी, मैंने पानी पी लिया था, तो कैसे बोलेंगे, आई हैड माई लंच, डिनर हो तो डिनर, लंच हो तो लंच, है ना।
जो दोपहर का खाना होता है उसको लंच बोलते हैं, शाम के या रात के खाने को डिनर बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो आई हैड माई लंच, समझ में आ गया। और एक और बात बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कभी कभी क्या होता है सर, आप बोलते हो ब्रेकफास्ट कर लिया है ना, लंच कर लिया। सर हमारे गांव में तो क्या होता है, ब्रेकफास्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हम सब एक ही बार में खाना खाते हैं, तो अच्छी बात है, तो उसको बोलेंगे क्या? अरे भाई कोई ऐसा खाना जो सुबह से खाया जाता है, तो मतलब आपका ब्रेकफास्ट भी हो गया और आपका लंच भी हो गया, आपका ब्रेकफास्ट भी हो गया आपका लंच भी हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? तो बच्चों जो ब्रेकफास्ट प्लस लंच होता है उसको क्या कहा जाता है? ब्रंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रंच, है ना। क्या कहा जाता है? ब्रंच कहा जाता है, ब्रंच, है ना, जिसमें ब्रेकफास्ट भी हो, मतलब आपने सुबह ऐसा खाना खाया कि आपका नाश्ता भी हो गया और आपका खाना भी हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रंच। तो अगर आपके घर में ये प्रथा नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट करो फिर और दोपहर को खाना खाओ, एक ही बार में निपटा देते हो पूरा, तो वो क्या है? आप ब्रंच कर रहे हो। तो ये था दोस्तों, ये था कि आप कैसे हैज और हैव का मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और लीजिए के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी टेंसेज में तो होता ही है, है ना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में कि आई हैव टेकन माई फूड, आई हैव परचेस्ड मोबाइल, मैंने मोबाइल खरीद लिया, तो वो एक अलग मैटर है, जब टेंसेस पढ़ेंगे तब देखेंगे उसको। अभी यहाँ पर ये एज अ मेन वर्ब में ऐसे यूज होता है, समझ में आया? मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने पानी पी लिया है, आई हैव माई वाटर, ठीक है, वो सीधा मेन वर्ब को डिलीट कर देता है। मैंने खाना खा लिया है, आई हैड माई लंच, समझ में आ गया दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आपको ना समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक था है जिसको हम जो हमने अभी तक 3 लेक्चर्स कवर कर लिए, जिन्होंने नहीं देखे, जो लोग नए हैं और जो लोग चाहते हैं कि देखें, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो तीनों वीडियोस हैं या जो वीडियोस हैं सारे वीडियोस आप देख ले, आपको अच्छा लगेगा। चलिए अभी हम आगे बात करते हैं। अब देखिए बच्चों, पास्ट की बात करते हैं, पास्ट विथ ऑल सब्जेक्ट्स। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास पास्ट में कोई वस्तु थी, है ना, हम क्या बोलेंगे? पास्ट में कोई वस्तु थी, तो कैसे बोलेंगे? जैसे मान लो मेरे पास पेन था, मेरे पास पेन था, तो कैसे बोलेंगे बताइए? मेरे पास पेन था, कैसे बोलेंगे? तो था के लिए हमें क्या लगाना है? हेड लगाना है, मेरे को बोलते आए, पास के लिए क्या बोलेंगे? हैड और पेन। मतलब जब भी पास्ट में कोई वस्तु आपके पास थी, आप कई बार बोलते हैं मेरे ग्रैंडफादर के पास ये था, मेरे पापा के पास ये था, मेरे मामा के पास ये था, मेरे पास ये था, बचपन में मेरे पास साइकिल थी, मेरे पास 5 रुपए थे, उसके पास जो है कि उसके पास अलादीन का चिराग था, उसके पास माउस था, पता है बचपन में मेरे पास कंप्यूटर था, वो जो कंप्यूटर ना डेस्कटॉप वो वाला कंप्यूटर था। तो ये सारे सेंटेंस हम बोलते हैं कि पास्ट में कोई वस्तु हमारे पास थी। प्यारे बच्चों उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें लगाना है सब्जेक्ट के बाद हैड, और हैड का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ करना है? चूंकि हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए जितने भी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे आई विद यू और ही शीट, इन सबके साथ या कुछ भी आ जाए सबके साथ आपको हैड ही लगाना है। तो मेरे पास पेन था, आई हैड अ पेन, अब और बोल के देखते हैं, मेरे उसके पास कार थी, उसके पास कंप्यूटर था, कंप्यूटर ले लेते हैं, उसके पास कंप्यूटर था, तो कैसे बोलेंगे? तो उसके में अब लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, क्योंकि हिंदी में क्लियर नहीं होता है लेकिन अंग्रेजी में हो जाता है, हमने लिख दिया ही हैड अ कंप्यूटर, क्या बोलेंगे? कंप्यूटर, ही हैड अ कंप्यूटर, इस तरीके से बोल लेंगे, उसके पास क्या था? कंप्यूटर था। तो ये इस तरीके से आप क्या करेंगे पहले बच्चों? आप यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट आप चेंज कर दीजिए, बहुत सारे, चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मेरे पास लैपटॉप था, आई हैड लैपटॉप, मेरे पास पुराने गानों का कलेक्शन था, सो आई हैड अ कलेक्शन ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स, ठीक है, मेरे पास एक पुरानी वॉच थी, आई हैड अ ओल्ड वॉच, मेरे पास एक ट्रिक थी, आई हैड अ ट्रिक, मेरे पास एक सुंदर पेन थी, आई हैड अ ब्यूटीफुल पेन, मेरे पास एक बहुत बड़ा मिरर था, आई हैड अ बिग मिरर, पता है ऐसे बहुत सारे आप घर में वस्तुएं देखिए कि क्या क्या हैं, उनको आप हेड में बना दीजिए कि थी, मान लो हमने थी, बाकी हम नहीं खरीद लेंगे। उसी प्रकार आपको डिफरेंट सब्जेक्ट लेना है, फिर आपने ही लिया, ही के साथ बोलिए ही हैड वॉच, उसके पास ये था, देखिए अपने दोस्तों के पास क्या था, वो सारा सेंटेंस बनाइए, एंड बींग बी ए प्रैक्टिकल कि दोस्तों के पास क्या क्या था। अच्छा मेरा दोस्त है राहुल, उसके पास पता है उसके पास एक बुलेट थी, तो राहुल हैड बुलेट, गॉट इट? ऐसे सारे सेंटेंस आप बनाएंगे, रमेश हैड ब्यूटीफुल शर्ट, उसके पास ब्यूटीफुल शर्ट था, ठीक है,
वो जो अर्पित था उसके पास दिमाग था, अर्पित हैड माइंड। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। उसके बाद आप वी लीजिए, है ना, वी हैड अ कार, वी हैड अ यू नो फ्रिज, वी हैड अ कूलर, उसके पास वी के बाद दे लीजिए, है ना, दे हैड दिस, दे हैड दिस, दे हैड ट्यूबलाइट, दे हैड फैन, ऐसे कुछ भी बनाइए। क्योंकि हमको आना चाहिए, है ना, हमारे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हैव मतलब प्रेजेंट होता है, हैड मतलब पास्ट होता है, बाकी ऑब्जेक्ट हम चेंज करते जाएंगे। और नॉर्मली 90% ऑब्जेक्ट के मतलब हमें हिंदी में, इंग्लिश में पता होते हैं, क्योंकि आजकल हिंदी अंग्रेजी एक जैसी हो गई है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई गारंटी कि आपको मजा आ जाएगा। चलिए अब इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, देखिए जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हमने प्रेजेंट में क्या किया था, डू नॉट लगाया था। अब इसका जब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डिड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिड, ध्यान रखना है। और जब डिड लगाएंगे तो डिड के बाद जब भी ये हेड होगा ना वो हैव में कन्वर्ट हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। डिड लगाएंगे तो हेड जो होगा ना वो हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एक वाक्य आया, यहाँ लिखते हैं कि मेरे पास किताबें नहीं थी, प्यारे बच्चों, मेरे पास किताबें नहीं थी। ध्यान से देखिए, मेरे पास किताबें नहीं थी मतलब पास्ट में कोई वस्तु आपके पास नहीं थी। तो आपको दिमाग में आएगा जैसे ही पास वर्ड दिखा, समझ जाओ हैव या हैड वाला मामला है। ठीक है, अब मेरे को तो आई बोलते हैं, अब मेरे पास दिक्कत तो नहीं, लेकिन चूंकि हैड लगाते आप, लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो फिर डिड आ जाएगा। तो नेगेटिव में आप मेरे पास किताबें नहीं थी तो यहाँ पर आ जाएगा आई डिड नॉट। क्या हो जाएगा, हैड नॉट नहीं होता है क्योंकि हम टेंसेस नहीं पढ़ रहे हैं, आई डिड नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव में आई डिड नॉट लगा देंगे, उसके बाद पास के लिए हैव लगा देंगे। अब मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों किया, आई डिड नॉट हैव बुक्स। आप देखिए यहाँ पर मैं आपको ग्रामेटिकल कंसेप्ट बताता हूँ बच्चों, कि सर आपने यहाँ पर डिड नॉट तो लगाया ठीक है, लेकिन यहाँ पर हैड क्यों नहीं लगाया। तो जो ग्रामेटिकल के इंटरेस्ट वाले बच्चे ध्यान रखना, देखिए क्या है कि आई डिड नॉट हैव बुक्स, ये सेंटेंस करेक्ट है, मेरे पास किताबें नहीं थी, लेकिन चूंकि ये वी टू है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, डू डिड डन डूइंग, है ना, डू डिड डन डूइंग और डज होता है आपको पता है, उसी प्रकार ये एक सेकेंड वर्ब। अब किसी भी एक वाक्य में एक ही मेन वर्ब आ सकती है सेम फॉर्म में, है ना। अगर ये V2 में आ गई तो हैड जो है वो भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, भाई डू डिड डन, है ना, ये डू डिड डन हम तीन मानते हैं, तो ये सेकेंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे लिखा मैंने हैव, हैड और हैड, अब ये भी सेकेंड फॉर्म है। तो एक वाक्य में मैं दो सेकेंड फॉर्म नहीं लिख सकता, मुझे फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। तो उसी लिए मैंने यहाँ पे अगर वी टू, अगर मैंने यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख दिया है तो फिर मैं यहाँ पे हेड को मुझे हैव में कन्वर्ट करना पड़ा, मुझे इसे फर्स्ट फॉर्म में लिखना पड़ा ताकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर न गड़बड़ाए, समझ में आया। तो अगर मैं यहाँ पे हेड लिखता तो फिर सेंटेंस गलत हो जाता कि आई डिड नॉट हैड बुक्स, बुरा हो जाता, सत्यानाश हो जाता, समझो। इसीलिए मैंने यहाँ पे वी टू लगाया तो यहाँ पे वी वन लगा दिया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, समझ में आया। तो इस तरीके से समझना है। तो ये हो गया दोस्तों, तो आई डिड नॉट हैव बुक्स, तो ध्यान रखना है जब डिड आएगा तब वो हेड का क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा आगे। ठीक है, सेंटेंस पास्ट का ही होगा, ये डिड है ना, ये पास्ट को शो कर रहा है। ठीक है, डिड लगाना जरूरी, डिड लगाया तो हैव कर दो, डिड नहीं लगाया तो हेड रहने दो, नो इशू इन दैट। तो ये हो गया नेगेटिव। एक और वाक्य बना के देखते हैं दोस्तों, जैसे मान लो इंटरोगेटिव बनाते हैं, क्या तुम्हारे पास समय था, क्या तुम्हारे पास समय था, क्वेश्चन मार्क लगा दो यहाँ पर, क्या तुम्हारे पास समय था। तो कैसे बताएंगे दोस्तों, अब देखिए मैंने कहा था इंटरोगेटिव हो तो घबराना नहीं है हम, क्योंकि इंटरोगेटिव बोलते हैं ना, क्या तुम्हारे पास समय था, ऐसे बहुत सारे वाक्य बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास पेन था, क्या तुम्हारे पास मोबाइल था, क्या तुम्हारे पास टिकट था, क्या तुम्हारे पास बस थी, क्या तुम्हारे पास बचपन में दो क्लास थे, इस तरीके से। अब क्या मतलब इंटरोगेटिव है, यू को पहले लिख लो, ये यू हो गया। ठीक है, अब पास मतलब था तो हेड आएगा, लेकिन चूंकि इंटरोगेटिव है तो डिड आ जाएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको इंटरोगेटिव में आगे लिखते हैं। तो डिड यू और पास के लिए वापस हैव लगा दो, ये हैव क्यों लगाया हेड का, क्योंकि डिड लगा दिया तो हैव आ गया, डिड यू हैव टाइम, बहुत ईजी है, डिड यू हैव टाइम। दोस्तों अगर ये क्या नहीं आता तो कैसे बनाते, तुम्हारे पास समय था तो कैसे बनाओगे, यू हैड टाइम,
हेड हो जाता, लेकिन चूंकि इंटरोगेटिव है इसलिए ये क्या हो गया, आपका हेड का है हो गया। मैं फिर समझा रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे पास्ट में तो हमें हेड लगाना है, सिंपल सेंटेंस। आई हैड बाइक, आई हैड कार, आई हैड दिस, आई हैड दिस, आई हैड दिस, जो जो था आपके पास। लेकिन जब नहीं था तो फिर डिड नॉट हैव, नहीं था तो डिड नॉट हैव, क्या था तो डिड हैव, ध्यान रखना है। डिड आया तो हेड का हैव हो जाएगा। इसको वीडियो को एक दो बार देखिए, ध्यान सुनिए, समझ में आएगा। बच्चों अगर आपको एक बार में बातें समझ में नहीं आती और आपके पास पर्याप्त टाइम है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो को दो बार देखिए, दो से तीन बार देखिए, और जहां आपको दिक्कत आ रही है उस वाले पार्ट को देखिए वीडियो को पोज कर करके, तो आपको 100% पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि कई बार एक बार में नहीं समझ में आता। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये था नेगेटिव वाला और इंटरोगेटिव वाला कंसेप्ट, ठीक है। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं दोनों बोलूँगा, मैं आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा और मैं जवाब भी दूंगा। क्या तुम्हारे पास फ्रिज है, क्या तुम्हारे पास फ्रिज था, तो डिड यू हैव अ फ्रिज, तुम्हारे लिए यू लगा है, डिड यू हैव अ फ्रिज। अब मैं उत्तर दूंगा, येस आई हैड फ्रिज, आंसर क्या आया, येस आई हैड फ्रिज, और नहीं था तो ये नो आई डिड नॉट हैव फ्रिज, नहीं था। मुझ में आ रहा है कहाँ, पॉजिटिव बोलेंगे तो हेड लगाना, नेगेटिव बोलेंगे तो डिड नॉट हैड लगाना। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। क्या तुम्हारे दादाजी के पास कंप्यूटर था, डिड योर ग्रैंडफादर, तुम्हारे दादाजी को क्या बोलेंगे, योर ग्रैंडफादर, यूअर भी बोल सकते हैं, बाकी फ्लुएंसी में क्या बोलेंगे, योर, योर क्या बोलेंगे, योर, योर ग्रैंडफादर। तो डिड योर ग्रैंडफादर हैव कंप्यूटर, आंसर क्या आएगा, यस माई ग्रैंडफादर, यस माई ग्रैंडफादर हैड कंप्यूटर, नो माई ग्रैंडफादर डिड नॉट हैव कंप्यूटर, नो माई ग्रैंडफादर डिड नॉट हैव कंप्यूटर। ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, एक सेंटेंस को बार बार अपने आप से बात करना सीखो। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को समय दो और अपने आप से बात करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़े। गॉट इट? दुनिया के जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने खुद से प्रैक्टिस की है। तो अंग्रेजी बोलने के लिए खुद बातें करना सीखो, गॉट इट? किसी भी एक चीज़ को ऑब्जेक्ट मान लो और सीखो। मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि मैंने कैसे इंग्लिश सीखी। ओके, आई विल टेल यू, आई विल एक्सपोज माई सेल्फ कि हाउ आई लर्न इंग्लिश। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, अगर आपकी डिमांड रही, अगर आप चाहते हैं कि सर आप बताइए आपने कैसे सीखी, तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए, तो ये था नेगेटिव, आपने समझ में आया। अब इसी को हम बना सकते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं दोस्तों। अब देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव एक सेंटेंस है इंटरोगेटिव नेगेटिव का, कि मान लो क्या तुम्हारे पास पेन नहीं थी, कैसे बनाएंगे, क्या तुम्हारे पास पेन नहीं थी, बताइए कैसे बनाएंगे, क्या तुम्हारे पास पेन नहीं थी। तो देखो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव, मतलब इसमें प्रश्न भी है और नकारात्मक चीज भी है, क्योंकि क्या आ गया तो क्वेश्चन बन गया, और नहीं आ गया तो नेगेटिव बन गया। तो सबसे पहले हमें सिंपल सेंटेंस देखना है, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, सिंपल सेंटेंस क्या आ गया, तुम्हारे पास पेन थी। तो सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा, यू हैड पेन। अब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, यू डिड नॉट हैव अ पेन, और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिड यू हैव अ पेन, तो हमने इंटरोगेटिव बना लिया। तो डिड यू, पास के लिए हमने क्या लगा दिया, हैव। देखिए कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। देखिए बच्चों, क्या के लिए डिड आएगा क्योंकि इंटरोगेटिव है, पास के लिए हैव आएगा क्योंकि डिड आया तो हैव हो जाएगा, सब्जेक्ट वैसा वैसा कर दिया, बाकी पेन है तो डिड यू हैव। अब चूंकि नेगेटिव भी है तो आपको यहां लगाना पड़ेगा नॉट, डिड यू नॉट हैव पेन, ये क्वेश्चन। अब एक और चीज आपको बता दो, जैसे सिंपल नेगेटिव आता है कि मेरे पास पैसा नहीं था, मान लो तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी भाई, सर उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, ये कई बच्चों के साथ होता है। आई, अब डिड नॉट को मैं डिड नॉट ना लिखते हुए क्या लिखूंगा, डिंट लिखूंगा, है ना, जैसे डोंट लिखते हैं ना वैसे डिंट लिखते हैं, आई डिड नॉट तो डिंट हैव मनी। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है डिंट, अब इसको डिडंट नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, डिडंट नहीं पढ़ना है, इसको डिंट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डिंट, आई डिंट हैव मनी, आई डिंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं था, आई डिंट हैव टाइम, आई एम सॉरी आई कुड नॉट कम बिकॉज आई डिंट हैव टाइम, है ना, आई डिंट हैव एनी काइंड ऑफ ट्रेवल, मेरे पास कोई आने के लिए साधन नहीं था,
आई डिडंट हैव लैपटॉप दैट्स व्हाई आई कुड नॉट कंप्लीट माय प्रोजेक्ट। तो डिड नॉट नहीं होता है, डिड नॉट तो होता है, या तो डिड नॉट बोल दो या फिर डिडंट नहीं बोलना है, डिडंट नहीं बोलना है, ठीक है। डिंट होता है, सुन लो ध्यान से, डिंट, समझ में आ गया। जैसे डोंट होता है ऐसे डिंट होता है, गॉट इट। तो ऐसे प्यारे बच्चों बहुत सारे इंटरोगेटिव हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। अभी हम फ्यूचर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आज हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। अब फ्यूचर स्टार्ट करने से पहले मैं 30 सेकंड में आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं। प्यारे बच्चों, कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, 30 मिनट ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करवा दूं। ये तो मुझे भी पता है कि 30 मिनट ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन मुझे बताओ, जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप किसी कोचिंग में जाते, किसी भी कोचिंग में जाओगे इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है, वहां पर जो टीचर पढ़ाएगा वो भी मेरे जैसा ही होगा। इनफैक्ट मैं भी तो स्पोकन पढ़ाता था, तो मैं भी पढ़ाऊंगा वैसा ही। तो आप जाओगे, जाने में लगेगा आधा घंटा। अगर आप किसी दूर गाँव से आते हो, दूर जगह से आते हो, तो एक घंटा मान लो, और पास से आते हो तो आधा घंटा मान लो, तो आधा घंटा जाने में लगेगा। फिर टीचर आएगा, फिर 5-10 मिनट तो बातें करेगा, क्योंकि बहुत टीचर बातें करते हैं वहाँ पर क्लासेस में, तो 5-10 मिनट इसकी बात कर, उसकी बात कर, उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई होगी वहाँ पर, तो आपका आधा घंटा जाने का, वहाँ पर एक घंटा पढ़ने का, उसके बाद फिर वापस आधा घंटा आने का, तो आपके कितने घंटे खर्च हुए, 2 घंटे, आधा जाने का, आधा आने का, और एक घंटा पढ़ने का। 2 घंटे आप पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे इतना ही, हो सकता है इससे भी कम पढ़ें, पढ़ेंगे इतना ही, तो 2 घंटे में आप सीखेंगे मात्र आधे घंटे इतना। तो फिर यहाँ पर अपने घर बैठे, जब खुद घर बैठे टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप आपकी इच्छा वहाँ पढ़ो, आधा घंटा मात्र आपसे मांग रहे हैं, तो आपको उसमें भी क्या तकलीफ है भाई। मतलब सीखना चाहते हो इंटरनेशनल लैंग्वेज और आधा घंटा देना नहीं चाहते हो, कोचिंग में जाके 2 घंटे दोगे, पैसे भरोगे 5-10 हज़ार रुपये अलग, और सीखोगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ऐसा तो होता है दोस्तों। तो इसमें क्या बुराई है, आधा घंटा दे दो। आप चाहते हो कि 5-10 मिनट की वीडियो बनाओ, मैं बना दूंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे कई चैनल्स हैं कि भड़बड़ भड़बड़ बोल देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितना आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है, मैं आपके सारे बच्चों की कमेंट रिप्लाई करता हूं। आप मेरे वीडियोस के कमेंट देख लीजिए, सारे बच्चों के कमेंट रिप्लाई किए, आप कमेंट डालिए, आज के साल भर बाद भी डालेंगे कमेंट, उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा, बिल्कुल करूंगा, क्योंकि आई एम हियर टू टीच यू, आई वॉन्ट टू टीच यू इंग्लिश, आई वॉन्ट टू मेक यू लर्न, दिस इज माई गारंटी, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। इसीलिए आप ये चीज़ छोड़ दीजिए कि सर 5-10 मिनट का वीडियो बनाओ, भाई मैं नहीं बना सकता। आप वीडियो आधा देखिए ना, अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, आधा अभी देख लो, आधा शाम को देख लो, आपके पास रात को 2 बजे टाइम है ना, तब देखो वीडियो। 5 मिनट अभी देख लो, 5 मिनट बाद में देख लो, क्या करें फिर आप? आपके पास टाइम ही नहीं, आपको सीखना अंग्रेजी है, यू वॉन्ट टू लर्न एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, टाइम है नहीं, तो ऐसा नहीं। 30 मिनट, मात्र 30 मिनट यार, 15-15 मिनट करके टाइम निकाल लो और सीख लो, सीख लो प्यारे बच्चों। मौका नहीं मिलेगा, टीचर नहीं मिलते हैं, समय फिर आप व्यस्त हो जाओगे, अभी आपके पास टाइम है, इसलिए अंग्रेजी आना बहुत ज़रूरी है। कितना मज़ा आएगा जब आप अंग्रेजी फर्राटेदार बोलोगे, सोचो कितना अच्छा लगेगा। आपके कंपनी में जा रहे हो, किसी स्कूल में जा रहे हो, किसी कॉलेज में जा रहे हो, यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, आप अंग्रेजी में बात कर रहे हो अपने प्रिंसिपल से, अपने कॉलेज में सभी जगह, कितना अच्छा लगेगा। आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो, बस स्टैंड पे, कहीं भी जाओगे, यू विल स्पीक इन इंग्लिश, डर खत्म हमेशा के लिए, आधा घंटा तो देना है ना। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर 5-10 मिनट की वीडियो बनाओ, तो वो नहीं बना पाऊंगा। मेरा वीडियो 25-30 मिनट का आएगा रोज, इतना टाइम हो तो आप कंटिन्यू कीजिए, वरना कोई बात नहीं, ये स्पष्ट बात है। और इतना टाइम हो सकता है, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो, फालतू चीज़ें मत देखो, यूट्यूब पर देखना बंद कर दो, अंग्रेजी सीखना है तो दोस्तों आपको आधा घंटा देना पड़ेगा, 25 मिनट तो देना पड़ेगा। आप वीडियो को स्किप करके देख लीजिए, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे ये पोर्शन आता है, वीडियो को स्किप कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिए। अगर आपके पास एक साथ टाइम नहीं है, दुकान से बैठते हो तो 5 मिनट अभी देखा, वीडियो को पोस्ट करके अपना काम कर लिया, फिर 5 मिनट देख लिया, फिर 10 मिनट देख लिया, हमें देखना है, बात खत्म, गॉट इट। चलिए, तो ये था हमारा पास्ट, मैं फिर सम अप कर रहा हूं। पास्ट में कोई वस्तु हमारे पास होती थी, उसके लिए हमने क्या किया, हैड का यूज किया, नेगेटिव बनाया, इंटरोगेटिव बनाया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फ्यूचर की। अब देखिए बच्चों, हमारे पास वस्तु कोई होगी, कई बार बोलते हैं ना, मेरे पास देखना, मेरे पास एक दिन कार होगी, क्या होगी, कार होगी, कार तो डेफिनेटली होगी बच्चों, सबके पास होगी। अंग्रेजी सीख जाओगे, अच्छी जॉब लगेगी, इंटरव्यू, अच्छे अच्छे इंटरव्यूज दोगे तो सबके पास कार जो चाहिए आपको वो होगा, है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि कार सेटिस्फेक्शन मिल जाए, है ना। सेटिस्फेक्शन तो हमें, हम जब सीखते हैं और हमारी एक रेपुटेशन बनती है और हम जब सेटिस्फाई होते हैं तब मिलती है, तो ये मामला है। चलिए अब देखिए फ्यूचर, है ना, फ्यूचर, फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, इसका मतलब क्या होता है, पास कोई चीज होगी, पास होगी, क्या होगी, पास होगी, गॉट इट, पास होगी, समझ में आ रहा है, क्या होगी, पास होगी, क्या क्या होगी भाई,
आपके क्या क्या प्लान है फ्यूचर में, ज़रा बताइए क्या क्या होगा। आप कई लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास कार होगी, मेरे पास एक दिन बंगला होगा, मेरे पास बहुत सारे दोस्त होंगे, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी। तो आपका एक लिस्ट बनाइए कि आपके पास क्या क्या होगा, लिस्ट बनाइए, बिल्कुल लिस्ट बनाइए, मेरे पास ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ना। तो जो जो भी आपके पास होगा, जो जो भी आपके पास होगा है ना, वो आप लिस्ट बनाइए और यहाँ बनाइए सेंटेंस। तो देखिए कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है, आपको हेल्पिंग ऑफ क्या लगानी है, विल हैव लगानी है। जैसे एक सेंटेंस आया, मेरे पास कार होगी, सभी लोगों का सपना, जिसके पास है उसकी बात अलग है, नहीं है तो उसके पास खुद की कार की बात करो। देखो मम्मी पापा के पास तो पैसा है, उन्होंने आपको ला दी, अगर ला दी हो तो अलग बात है, खुद की बात करो। मेरे पास कार होगी है ना, मेरे पास वेदों का ज्ञान होगा, ये भी हो सकता है हम वेदों के ज्ञान को भूल रहे हैं, तो मेरे पास वेदों का ज्ञान होगा है ना। तो देखिए यहाँ पर सर, वैसे वेद को क्या बोलते हैं, देखो वेद को वैसे तो इंग्लिश में वेदास बोलते हैं है ना, वेदास बोलते हैं, लेकिन जो होली बुक्स होती है ना, जैसे बोल सकते हैं रामायण ग्रंथ को क्या बोलते हैं, तो या तो स्ट्रक्चर आप होली बुक्स बोल दीजिए, नो इशू इन दैट, ठीक है, होली बुक्स गुड नेम है। चलिए मेरे पास कार होगी, तो होगी जैसे आया तो समझ जाना फ्यूचर है, तो मेरे के लिए क्या लगाएंगे आए, पास के लिए फ्यूचर में अगर पास में हो तो क्या लगाएंगे बड़े बच्चों, आई विल हैव अ कार, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे दो वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है तो ध्यान रखना है नेगेटिव बनाते समय। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होगी है ना, तो उसके पास या फिर उसके पास डिग्री होगी है ना, हम डिग्री लिख देते हैं। डिग्री के अलावा हम बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे उसके पास मोबाइल होगा, सिंपल लेते हैं क्योंकि फिर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, उसके पास मोबाइल होगा क्योंकि कई बच्चों का सपना मोबाइल होता है, मोबाइल होगा, ये मो मतलब मोबाइल होता है, ठीक है, उसके पास मतलब ही के साथ क्या आ जाएगा, ही विल हैव मोबाइल, तो ये हो गया, बहुत सिंपल है ना, ही विल हैव मोबाइल, दे विल हैव मोबाइल, वी विल हैव मोबाइल, ऐसा प्रैक्टिस करिए। क्या क्या होगा आपके पास बताइए, आपके पास आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ वॉच, आई विल हैव लैपटॉप, आई विल हैव अ ट्राइपॉड, जो आपको दिख रहा है, मुझे जो सामने दिख रहा है मैं कई बार वही चीज़ें बोलने लगता हूँ, तो आपको भी जो दिखे ना वैसे ही प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, घर में बीच में खड़े हो जाइए, जो दिख रहा है सबको प्रैक्टिस करिए, हैव के साथ, हैड के साथ, विल हैव के साथ, तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका हम फटाफट नेगेटिव इंटरोगेटिव देख लेते हैं। अब देखिए मेरे पास कार नहीं होगी, क्या नहीं होगी दोस्तों, मेरे पास कार नहीं होगी तो कैसे बनाएंगे, मेरे पास समय नहीं होगा, ये बात सही है, मेरे पास समय नहीं होगा, क्योंकि आप जब बड़े इंसान बन जाओगे समय नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे पास समय नहीं होगा, आपके पास हमेशा समय होना चाहिए अपनों के लिए और अपने दोस्तों के लिए। तो आए अब नहीं होगा तो विल है, विल हैव है, तो यहाँ की नॉट लगा देंगे, मैंने कहा था आपको कि हेल्पिंग होगा, अगर दो वर्ड की आपको लग रही है तो आपको पहले वर्ड को इम्पोर्टेंस देना है, तो वी विल पुट नॉट आफ्टर विल, तो आई विल नॉट हैव टाइम, इस तरीके से। इंटरोगेटिव बनाना हो तो विल को आगे ले आओ, विल आई हैव टाइम, इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाओगे, विल आई नॉट हैव टाइम क्वेश्चन मार्क, बस ऐसे बहुत सारे वाक्य लीजिए। उसके पास साइंस की किताब होगी तो ही विल हैव साइंस बुक, ही विल नॉट हैव साइंस बुक, विल ही हैव साइंस बुक, विल ही नॉट हैव साइंस बुक। उनके पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, दे विल हैव इंग्लिश नॉलेज, दे विल नॉट हैव इंग्लिश नॉलेज, विल दे हैव इंग्लिश नॉलेज, विल दे नॉट हैव इंग्लिश नॉलेज। अब आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, हज़ारों सेंटेंस बनाने, मैं बार बार आपको बोलूँगा नहीं, पर आपको खुद को करना है क्योंकि आपको खुद को अंग्रेजी सीखना है, आप क्लास ज्वाइन कर लिए तो सीखना ही है। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं मैं दोस्तों, देखिए आपको पता है कि विल नॉट को क्या बोलते हैं, क्या आपको पता है कि विल नॉट को क्या बोलते हैं, जैसे हमने बोला कि भाई डू नॉट को डोंट बोलते हैं है ना, डिड नॉट को डिंट बोलते हैं। तो अगर आपके पास आ जाए क्या आ जाए, विल नॉट, तो आप क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों बताइए, क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे वॉन्ट है ना। जैसे सेंटेंस आ गया, आई विल नॉट हैव अ कार, हो सकता है कार नहीं भी हो, तो ये जो है ना इसको विल नॉट को क्या बोलेंगे, वॉन्ट बोलते हैं, विल नॉट को क्या बोलते हैं, वॉन्ट, ध्यान, आई वॉन्ट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं होगी, वॉन्ट बोलते हैं, आई वॉन्ट हैव टाइम, आई वॉन्ट हैव अ लैपटॉप, विल नॉट को वॉन्ट भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना ये आपको प्रोनंसिएशन, ये छोटी छोटी बातें, कई बार हम जब कोई स्पीच सुन रहे होते हैं प्यारे बच्चों,
मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये सुनना सीखिए, तो जब सुन रहे होंगे तो जो जितने भी स्पीकर्स हैं वो बहुत शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, है ना, बहुत शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो वो विल नॉट नहीं बोलेंगे, वो वॉन्ट बोलेंगे, वो डिड नॉट नहीं बोलेंगे, डिंट बोलेंगे, वो डू नॉट नहीं बोलेंगे, डोंट बोलेंगे। तो आपको भी ऐसी हैबिट डालनी, हम क्यों इतना लंबा सेंटेंस बोले। इंग्लिश आजकल छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, आपको तो पता ही है, जैसे कपड़े छोटे होते जा रहे हैं ना लोगों के, ऐसे इंग्लिश भी छोटी होती जा रही है, हर चीज़ छोटी हो रही है, लैपटॉप छोटे हो रहे हैं, मोबाइल छोटे हो रहे हैं। आपको पता है पहले चाइना का मोबाइल आता था, किसके किसके पास था जल्दी बताओ, बहुत सारे लोगों के पास था ना, तो चाइना का मोबाइल बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारी यू नो बटन्स होती थी, तीन तीन चार चार सिम होती थी और बहुत हैवी मोबाइल होता था, ठीक है। आजकल ऐसा नहीं, आजकल मोबाइल छोटा होता जा रहा है, कुछ मोबाइल बड़े होते जा रहे हैं, कुछ छोटे होते जा रहे हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी भी जो कॉन्वर्सेशन है वो छोटा होता जा रहा है। पहले हम बोलते थे हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, ऐसे बोलते थे, आजकल क्या आ गया है व्हाट्सएप, क्या आ गया है व्हाट्सएप। समझ में नहीं आता है कि व्हाट्सएप के नंबर मांग रहा है कि हालचाल पूछ रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप का मतलब भी हालचाल पूछना होता है, हाय गाइस व्हाट्सएप मतलब, और मित्रों क्या चल रहा है, व्हाट्सएप का मतलब होता है क्या चल रहा है या कैसे हो। तो ऐसा होता है कई बार आपको भी कोई पूछ लेगा हाय व्हाट्सएप, तो ये मत सोचना कि नंबर मांग रहा है, वो ये पूछ रहा है कि आप कैसे हो। कई बार लड़कियां थप्पड़ मार देती लड़कों को, तो वो पूछता है भाई नंबर नहीं मांग रहा हूँ मैं, आई एम जस्ट आस्किंग यू हाउ आर यू, आप कैसे हैं, मैं आपके हालचाल पूछ रहा हूँ। तो व्हाट्सएप हो गया, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स हो गए, ये शॉर्ट फॉर्म्स हो गए, तो हमें शॉर्ट फॉर्म्स पता होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये था हमारा विल हैव, अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने हर वीडियो के लास्ट में, मैं तो या तो इसकी प्रैक्टिस तो मन से कर सकते हो, क्योंकि मैंने सोचा है कि आपको रोज़ मैं वोकैबुलरी दूँ, तो मैं 100 से 200 वर्ड्स या 150 वर्ड्स की रोज़ इस हर वीडियो के लास्ट में, हर वीडियो के लास्ट में बच्चों में क्या करता हूँ, मैं एक स्लाइड एड कर देता हूँ, एक या दो स्लाइड होती है, आप उसमें से आपको जितने भी वर्ड के हिंदी मीनिंग ढूंढना, आप उनके हिंदी मीनिंग ढूंढिए, उनको लर्न कीजिए कि भाई इसका मतलब ये होता है, इसका जैसे हमने जेनी बताया था, काफ़ी बच्चों ने सही जवाब दिया है ना, काफ़ी बच्चों, एक ऋतिक नाम का बच्चा है, तो ऋतिक ने मुझे पर्सनली मैसेज किया और बोला कि सर इसका मतलब ये होता है, कमेंट में भी लिखा, तो सारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो बताए, आपको जो होमवर्क दिया जाए उसको आप करें, है ना। हम भी, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हैं, हमारा सब लोगों का एक ही इंटेंशन है अंग्रेजी पे विजय हासिल करना, तो वी विल बी सक्सेसफुल, नो इशू इन दैट। तो आपके वीडियो के लास्ट में एक से दो मैं स्लाइड्स ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, स्लाइड ऐड कर दूंगा, आपको उसको प्रॉपर देखना है, उसके हिंदी मीनिंग लिखना है, उसको लर्न करना है। इसकी प्रैक्टिस जो मैंने आपको पढ़ाया आप खुद कर सकते हैं। चलिए एक मिनट के अंदर सम अप करते हैं, सम अप करना ज़रूरी है, आपने बहुत लंबा पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा। देखिए बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने जाना कि भाई ये हमारी अगली क्लास है, ठीक है, बाकी कुछ क्लासेस हम कर चुके हैं, बाकी क्लासेस अगर आपने अटेंड नहीं करी हो, 1, 2, 3 अगर अटेंड नहीं करी हो प्यारे बच्चों, 3 क्लास हो गई है, ठीक है, अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए, सारी क्लासेस देखिए, अगर आपका छूट गया हो देखिए, छूटा नहीं भी हो अगर आपको फिर से देखना है फिर देखिए, देखने में कोई पैसा नहीं है, बस थोड़ा टाइम लग रहा है वो भी सीखने के लिए, तो सीखने के टाइम देना चाहिए। तो जो नए लोग हैं जो मुझे आज ही देख रहे हैं वो अब बाकी वीडियोज़ भी देखिए। दूसरी बात, हमने आज पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई पास्ट में कोई वस्तु थी तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हैड, ठीक है, हैड यूज़ करते हैं, जैसे आई हैड अ पेन, आई हैड अ मोबाइल। नेगेटिव बोलना हो उसके लिए, नकारात्मक आंसर हो तो कैसे बोलेंगे, आई डिड नॉट हैव मोबाइल, आई डिड नॉट हैव पेन, इस तरीके से। और डिड नॉट को क्या बोलेंगे, डिंट बोलेंगे। फिर हमने पढ़ा प्यारे बच्चों विल का प्रयोग, हमने फ्यूचर में कि सर अगर फ्यूचर में हमारे पास कोई वस्तु होगी, आपके पास क्या क्या होगा, लिस्ट बनाना है कि मेरे पास, आप अपना प्लान कीजिए, सब्जेक्ट लिखिए, आई विल हैव ऐड कर दीजिए, उसके बाद सारे ऑब्जेक्ट लाइन से लिखिए, मेरे पास ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा, जो जो भी आप चाहते हैं आपके पास होगा आप लिखिए, पूरा लिस्ट बनाइए, कम से कम 200 सेंटेंस प्यारे बच्चों, टाइम हो, अगर आपका इंटेंशन है और टाइम हो तो आप 200 सेंटेंस बना डालिए, ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, कभी न कहीं ना कहीं हमने भी ऐसे ही प्रैक्टिस की होगी, तभी तो वी आर टीचिंग यू ना, सो दैट इज व्हाई इफ यू वांट टू बी लाइक अस और मच बेटर देन अस देन यू मस्ट प्रैक्टिस अलॉट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आई ऑलवेज से, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्ट बनते जाते हैं, टिके रहना है, ठीक है। दूसरी बात, तो हमने पढ़ा पास्ट पढ़ा, फिर हमने फ्यूचर पढ़ा, अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है ना, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट में हैज़ हैव का यूज़ कैसे करते हैं, पास्ट में हैज़ हैव का यूज़ कैसे, हैड का यूज़ कैसे करते हैं, और फ्यूचर में विल हैव का यूज़ कैसे करते हैं। तो ये पूरा हमारा किसी वस्तु का पास होना, पास थी या पास होगी, इन तीनों का पूरा कंप्लीट चैप्टर कर लिया है, ठीक है। हमने आज एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी देखा कि भाई ये हैव मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज होती है, तो खाना खा लिया है और खा लिया था तो आई हैव माई लंच, आई हैड माई लंच, ऐसा बोलना सीखिए। अगर आपको आज के वक्त पूछेगा कि तुमने खाना खाया तो बोल दीजिए, अगर खा लिया है तो आई हैव माई लंच, खा लिया था तो आई हैड माई लंच, ये नई बातें थी। नई बातों को ध्यान सुनना है, ऐसी बहुत सारी बातें होगी जो आपको पता होगी, जो बातें नई हैं
उनको आप ध्यान सुनिए, ओके गॉट इट। तो प्यारे बच्चों दिस वॉज अवर क्लास, नाउ आई होप कि आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, आप पूरी शिद्दत से बने हुए हैं, दिस इज माई फुल गारंटी। अगर आप बने रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल लर्न। अगर आपने शुरू कर ही दिया है तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको आदत बनाना है। दोस्तों यू मस्ट हैव अ हैबिट ऑफ गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ों की आदत बनाइए, ये अच्छी चीज़ है तो इसकी आदत बनाइए। कुछ लोगों को टिकटॉक की हैबिट थी, सीखने को कुछ नहीं मिलता था, टाइम वेस्ट होता था। वो कई लोग ऐसे जो गली में फालतू वीडियोज़ देखते रहते हैं, अगर आप ये वीडियोज़ देखोगे तो कोई भी हो, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसमें से बहुत सारी बातें आपको पता है, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, पता है तो कोई बात नहीं, और सीख लीजिए, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। आज तक हम भी सीखते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते, वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम द ग्रेट थिंकर्स, ग्रेट फिलोसॉफर्स, ग्रेट स्पीकर्स, स्टिल हम अभी भी सुनते हैं, तो सुनते रहना चाहिए, ठीक है। ज्ञान को बढ़ाते रहो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये था वीडियो, अगर आप नए हैं और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को आप जो है हमारे सब्सक्राइब करें, सारे वीडियोस देखिए, वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो वीडियो को जो वीडियो की लिंक है वो कॉपी करके अपने स्टेटस पर रखिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।